आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग थी। काफी लंबे समय के बाद हम लगातार अपनी पार्टी के संगठन को गांव के वार्ड के स्तर पे, शहर के वार्ड के स्तर पे अलग अलग जिम्मेवारियां साथियों की लगा रखी थी, जहां हमने उस पर चर्चा करी। वहीं आज प्रदेश कार्यकारिणी के सभी साथियों से पूछा कि नगर निकाय के नगर पालिका के चुनाव हैं, हमें इस चुनाव में क्या फैसला करना चाहिए। पहले से पार्टी के जो सीनियर साथी थे उनकी तो ये सोच थी कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज हमने हमारे पूरे प्रदेश के हर सेल के साथियों को बुलाया हुआ था और उन सबसे पूछा था, तो सबकी एक राय बनी कि हमें ये चुनाव जो सिंबल पे ही लड़ना चाहिए। हमने तकरीबन अपने कैंडिडेट हर जगह पे तय कर रखे हैं। हमारे 5 लोगों की जिम्मेवारी 4 लोगों की हमने लगाई थी। 5 जिले हमने इनको सौंपे थे कि आप उन जिलों में जाओगे, जाकर के पार्टी के साथियों के साथ बैठक करके और हर जगह से 3-3, 4-4, 5-5 नाम लेकर के आओगे। जो लोग हमारी पार्टी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं उनके नाम ले आओ, ताकि उन पर विचार हो सके और फिर उनको हरी झंडी दी जाए भी आप चुनाव लड़ें। हमने हमारे पार्टी के अध्यक्ष को 6 जिले दे रखे थे, जिसमें झज्जर था, रोहतक था, सोनीपत था, गुड़गांवा था और मेवात और पलवल था। इसी तरह भारती जी को 6 जिले दे रखे थे। श्याम सिंह राणा जी के पास 5 जिले थे, उम्मेद के पास थे। हमने सब जगह अपने प्रत्याशी तय कर रखे हैं। 3 और 4 तारीख को हमारे सारे प्रत्याशी सिंबल के साथ जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। जो कांग्रेस कह रही थी कि हम तो सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, वो तो मैदान छोड़ गई। उसने तो जो सत्ता की तरफ बढ़ने वाले लोग हैं वो तो फिर अपनी पार्टी को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए सिंबल पे लड़ाई लड़ते हैं, वो तो बाहर हो गए इस दौड़ से। और इस राज्यसभा के चुनाव में और ज़्यादा उनकी असलियत सामने आ जाएगी। ये मान के चलो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत शातिर आदमी है, इसने पिछले चुनाव में भी हाई कमांड के आदेश की पालना करने की बजाय भाजपा की मदद करी और ये भाजपा के प्रेशर में है क्योंकि इसके खिलाफ मुकदमे हैं। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसको इस बात को लेकर के रोज डराते हैं और इससे अपने मनचाहे फैसले कराते हैं। अब भी जो ये विनोद शर्मा का लड़का चुनाव लड़ रहा है, ये कोई ना कोई खेल जरूर खेलेगा भूपेंद्र हुड्डा इसमें। पिछली बारी शाही बदली थी, अब की बार शक्ल बदलेगा मुझे लगता है। कोई मुखाटे लगा करके लेकर के आएगा लोगों, ताकि उनकी पहचान ना हो सके। अभय सिंह जी, इस जय नगर पालिका का जो चुनाव है इसमें एक पार्टी का तो मैं और दावे के साथ कह सकता हूँ, उनका तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। जो हमें छोड़ करके गए थे, जिन्होंने कहीं चौधरी देवीलाल के नाम का ढिंडोरा पीट करके वोट लिए थे लोगों से, जो बेईमान हुए, उनको इस चुनाव में सबक मिल जाएगा। भाजपा के लोगों का बड़ा सही फैसला है, उनको भी अब समझ में आई है कि इन लोगों की धरातल पे कोई जगह नहीं है। मैच फिक्सिंग तो नहीं है?
मैच फिक्सिंग तो नहीं, दोनों भी भाजपा जसपा में? मैच फिक्सिंग कैसे होती है? इलेक्शन आए थे तब तो ये दोनों पार्टियों के लोग कहते थे हमारा गठबंधन है। अब मनोहर लाल खट्टर जी का बयान है, उन्होंने कहा था भी हमारा तो सिर्फ और सिर्फ सरकार की एडजस्टमेंट है आपस में, हमारा कोई गठबंधन नहीं है। इनका दिवालिया पिटेगा, इंडियन नेशनल लोकल पार्टी फिर शिखर पे आएगी। कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले को हर आदमी को स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन इस अदालत के ऊपर भी एक अदालत है। हम हाईकोर्ट जाएंगे, हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। सर एक बात चल रही है कि विधानसभा के चुनाव में आप किसको वोट दे रहे हैं? आप बताओ किसको दे आप बताओ ना मुझे किसको दे आपको बता दीजिए क्या बताओ। अभी मैं अपने साथियों से विचार करूंगा, बहुत टाइम है, 10 तारीख दूर है, मैं हालात और समीकरण देखूंगा। मेरा वोट लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जाएगा, जाएगा जरूर, वोट तो डालूंगा, मेरा वोट है। ये कैसे हो सकता है कि मैं वोट ना डालूं किसी को? विनोद शर्मा ने आपसे समर्थन मांगा है सपोर्ट के लिए, कुछ अभी तक मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। कोई मेरे से मांगेगा तो भी मैं उसको यही कहूँगा कि भाई 10 तारीख से पहले सोचूंगा फिर बताऊंगा। मेरा फैसला केवल एक आदमी कर सकता है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, कि मुझे किसको वोट देना है, या मेरा फैसला मैं कर सकता हूँ, मेरा कोई तीसरा ठेकेदार नहीं है। लोग तो पता नहीं किस किस को कहाँ ले जा करके बेचाएंगे, लेकिन मैं तो बड़े खुले रूप से बात करता हूँ कि मुझे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर कहेंगे कि मैं वोट कुएं में डाल के आऊँ तो कुएं में डालिया, उनके आदेश से एक कदम इधर से उधर नहीं हो सकता। और दूसरा, मैं खुद फैसला लेने में सक्षम हूँ, मुझे पता है कि मुझे अपना वोट कहाँ डालना है, किसको देना है, मेरे वोट से क्या मैसेज जाना है लोगों। आम आदमी पार्टी भी निकाय चुनाव लड़ रही है, उसके बाद आप भी लड़ो, कोई रोका है?